ये जमहूरियत नहीं है कि आप अकेले बोलेंगे, आप दूसरे आदमी को आप समझते ही कुछ नहीं है। मरियम साहब 40 साल से आप यहाँ हुकूमत में हैं, 40 साल के बाद भी आपको लोगों के तरले करने पड़ रहे हैं कि हमें वोट दे दो। 40 साल से आपको अभी तरले करने पड़े, वोट दे दो, कैसा वोट मांग रही है, किसी का वोट मांग रही है? मरियम नवाज या मियां शहजाद फरूख? मैं सर मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ। 40 साल से वो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। एक ही खानदान है क्या पार्टी के लिए? वो एक ही खानदान है पार्टी में और लोग नहीं है। मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी में और कारकुन नहीं है। वो हर अहदा हर सब कुछ वो मरियम के घर में सिलसिले में आता है, बाकी कारकुन और लवारिस यतीम है, उनका कोई काम नहीं यहाँ पर। हम तो कारकुन की बात करते हैं ना। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मरियम नहीं है। मरियम है तो उसका बाप भी वही, उसका चाचा भी, उसका ससुर भी, उसका सारा कुछ वो इसी में है। बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं है। या पाकिस्तान उनके बाप का, या पाकिस्तान उनका जो उनका बाप वहाँ से लेके आया था पीछे से। हमें ऐसे 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 लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसा खानदान नहीं चाहिए। हम लानत भेजते हैं ऐसे खानदान पर। वोट किसे दे? चोरों पे। चोरों पे लानत भेजते हैं। आपने वोट किसे देना है? मरियम नवाज नहीं, मियां शहजाद नहीं, तो फिर कौन? अगर अगर आपको पता चल जाए कि ये बंदा चोर, आप उसको वोट देंगे? आप अपने जेन से पता चल जाए वोट देंगे आप? बात रोकनी नहीं है, बात खुल के करनी है। आपको पता चल गया बच्चा? आप मुझे, आप उसे पूछ रहे ना, आप उसे पूछ रहे ना, मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आपको सही पता चल जाए, इलम हो जाए बिल्कुल सही है यार ये बंदा चोर है, आप उसको वोट देंगे? नहीं दूंगा। आपको पता चल गया? खत्म हो गया। आपने क्या दिया, हमने क्या दिया?